मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। नेपा नगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने विधायकी से इस्तीफा दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया है। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी पर सौदेबाजी का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। बारह जुलाई को बड़ा मलहरा से विधायक प्रद्युम्न लोधी और इसके पांच दिन बाद अब नेपा नगर की विधायक सुमित्रा देवी काजडेकर भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी की हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सुमित्रा ने आरोप लगाया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार के 15 महीने के कार्यकाल में उनके क्षेत्र में एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया। कांग्रेस की जो पूर्व की सरकार ने इग्नोर किया मुझे, मेरे क्षेत्र में 15 महीने से एक भी विकास नहीं हुए। कांग्रेस में लोगों का दम घुट रहा है, डूबता हुआ सा जहाज। अब बरसों से एक ही परिवार का कब्जा। लोग चाहते हैं कि अपने नेताओं से बात करें, कोई सुनने को तैयार नहीं, ताजी हवा का झोंका नहीं। सुमित्रा देवी को मिलाकर अब तक कुल 24 विधायक कांग्रेस का साथ छोड़ चुके हैं। इधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दावा किया है कि उपचुनाव होने तक कांग्रेस के 3 से 4 और विधायक बीजेपी के साथ आएंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का कहना है कि उन्हें जाने वालों की चिंता नहीं है। कमलनाथ ने बीजेपी पर सौदेबाजी का आरोप लगाया है। और अभी तो देखते जाइए आप, विधानसभा के चुनाव होते होते मैं समझता हूँ 3-4 विधायक और आएंगे। और भाजपा बुला नहीं रही है, भाजपा सम्मान दे रही है, इस कारण से कांग्रेस के विधायक टूट टूट कर अपने आप आ रहे हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है कि जाने वाले, मुझे तो पता था कि ये ऐसे एक आध हैं जो चले जाएंगे, तो चले गए, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी मेरे लिए। ये विधायकों को फोन कर रहे हैं, इतने पैसे ले लो, ये पद ले लो, फलानी चीज ले लो, ये सब बात कर रहे हैं। इससे पहले सुमित्रा काजडेकर ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, जिसे विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। इसी के साथ सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या घटकर 90 हो गई है। राज्य में अब विधानसभा की 26 सीटें खाली हो गई हैं, जिन पर आगामी दिनों में उपचुनाव होंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।